एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अफशा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डॉटन की स्किन केयर के वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पैकेजिंग, दिस इज सुपर डुपर क्यूट। आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन, 395 रुपीज इसका ओरिजिनल प्राइस है, बट अमेजोन पे अभी जो है कुछ ऑफर चल रहा है तो 295 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा। आई विल लिंक डाउन, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। 150 ml ऑफ प्रोडक्ट इसमें मिल जाता है, जो एक अच्छे टोनर के लिए काफी सही प्राइस है। ग्रीन वगैरह सारे इसके कार्टून पे मेंशन होते हैं। इसमें कुकुम्बर और बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड है। अच्छा, ये वाला जो है सुपर ग्लो देता है आपको और टाइट करता है आपके फेस को। बेसिकली टोनर जो है पोर टाइटनिंग के लिए ही यूज होता है और ताकि एक नेचुरल ग्लो आपको मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, बाकी हम सारी डिटेल्स इसकी बाद में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस ना मेरा क्लियर है, वॉइस है। मैं आज दोबारा से एप्लीकेशन पार्ट शूट कर रही हूँ, पर जब मैंने पहले किया था ना वो क्लिप पता नहीं कहाँ मिस आउट हो गई है, तो फाइनल एडिटिंग के टाइम पे मैं इसे शूट करने वाली हूँ। इंट्रो शूट करने के बाद पैकेजिंग कुछ इस तरह की इसकी आ जाती है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूंगी, टोनर को अप्लाई करने का जो सही तरीका है वो 7 स्टेप में से अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस कॉटन पैड और अच्छे से लाइक दिस को, इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी सही है, और इसको कुछ इस तरीके से ओके। तो इसमें जो बची कुची गंदगी है जो भी है फेस से निकल जाती है। ड्राई स्किन पे इट वर्क्स परफेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब सेकेंड स्टेप के लिए एज यू कैन सी मैंने फेस को अच्छे से क्लीन अप कर लिया, स्किन जो है इंस्टेंटली ब्राइटन अप लग रही है। तो ये वाला जो है ना ब्राइटन अप कर देता है आपकी स्किन को, ठीक है। बहुत ज्यादा यू नो पोर्स को टाइटन अप नहीं करता है, बट ब्राइटनिंग इफेक्ट काफी अच्छा आता है। सेकेंड स्टेप में मैंने इसको ना इस तरीके की स्प्रे बॉटल में भर के रखा है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, कि कोरियन तरीका है ये, इससे स्किन बहुत सही होती है और ग्लो बहुत अच्छा आता है। तो आई एम गोना डू, इसे मैं स्प्रे करूंगी अपने फेस पे। कोई भी जब आप टोनर यूज कर रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है, और हल्के हल्के से पैक करूंगी। अच्छा, अब जनरली आंखों को बंद रखना है वरना आंखें जलेंगी। इस तरीके से पैक करना है 2-3 मिनट। लेट अब्सॉर्ब, इससे ना स्किन काफी हाइड्रेटेड रहती है अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हो तो। देन जैसे ही स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए ना, हमें स्प्रे करना है सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम हमने क्लियर कॉटन से इसे वाइप अप किया, सेकेंड हम इसको स्प्रे करेंगे, थर्ड और एक बार स्प्रे करेंगे, मेरा अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा और काफी ग्लोई इफेक्ट आएगा स्किन पे। जैसे और एक बार करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉप हो सकते हो, बट मैं और एक बार करती हूँ। इस तरीके से 7 बार टोटल, यानी कि एक बार वाइप करना है, 6 बार स्प्रे करना है। ग्लोई बना देता है बट पोर टाइटनिंग इफेक्ट ये नहीं देता है। आई डोंट नो हाउ, बट ये पोर टाइट नहीं करता है। मेरी स्किन टाइप है काफी ज्यादा ड्राई। इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर से जो है टॉप अप कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो स्किन टाइप है इट्स एक्सट्रीमली ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई है मेरी स्किन। एंड मुझे जो इसके पहले टोनर में यूज कर रही थी, दैट वॉज द मिनिमलिस्ट का टोनर, एंड इट वॉज वर्किंग रियली परफेक्ट फॉर मी। बट मुझे क्योंकि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी इसकी, और मुझे पर्सनली कुकुमर की फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने ये वाला पीस लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं तो ये ना हल्का सा यू नो स्टिकी टेक्सचर में आ जाता है, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, ओ माय गॉड, इट्स सो गुड, इट्स सो 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 गुड। लुक एट द पैकेजिंग, पैकेजिंग भी इसकी काफी ज्यादा सही है। नाउ इसकी पैकेजिंग सही है, लेकिन मुझे वो स्प्रे फॉर्म में चाहिए होता है, तो मैंने इसको स्प्रे बॉटल में भी जो है ट्रांसफर किया था बॉटल, क्योंकि फर्स्ट बॉटल जो है हमने पूरी ट्राई ऑन में जो है डाल दी है, तो ट्राई ऑन में हमने पूरी एक बॉटल यूज की है। दिस इज द सेकंड बॉटल, और ये भी काफी हद तक जो है खाली हो गई है। फ्रेग्रेंस और इसका जो टेक्सचर है मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इफ आई स्पीक अबाउट कि कैसा ये वर्क करता है मेरी स्किन टाइप पे, तो ऑनेस्टली ये मुझे पोर टाइटनिंग इफेक्ट कहीं से भी नहीं देता। माइट बी शायद इसलिए क्योंकि इसमें जो है कोई भी अल्कोहल वगैरह मौजूद नहीं है, बट मिनिमलिस्ट वाला वाज वे बेटर देन दिस, बहुत ज्यादा बेटर था वो। ये वाला पर्सनली ना मुझे पोर टाइटनिंग इफेक्ट देता है, ना मुझे ग्लो देता है। हाँ, रिफ्रेश जरूर करता है, लाइक समर टाइम अभी चल रहा है तो जो स्किन पे यू नो डलनेस ड्राइनेस आ जाती है उसको ये बिल्कुल दूर करता है, लेकिन मेरे पोर्स इससे टाइट और क्लियर नहीं होते, मतलब क्लियर हो जाते हैं बट एकदम टाइटनिंग अफेक्ट ये नहीं देता है। पोर्स को डेफिनेटली डीपली क्लीन करता है बट टाइटनिंग अफेक्ट नहीं देता है। सो इफ यू आर समवन जिसको समर्स के लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव चाहिए,
तो आप इसको ले सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बट फॉर ड्राई स्किन आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि ये पोर्स को टाइटनिंग इफेक्ट नहीं देता है. सो अब ले लिया मैंने तो मैं यूज जरूर करूंगी बिकॉज दिस इज द सुपर क्यूट बॉटल आई हैव, बट इट्स नॉट टाइटनिंग इफेक्ट ये नहीं देता है. हल्का सा स्किन को ब्राइटन अप जरूर करेगा, फ्रेश करेगा, बट टाइटनिंग इफेक्ट नहीं देता है. तो लिंक कर दूंगी मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू वांट टू चेक दैट आउट. एंड यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर.